फ्रेंड्स टॉपिक इज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। देखो नाम से ही कितना डर लग रहा है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और डीपली इस पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में अराइज ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट इन नेचर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये अनसर्टेन होती है। क्या होती है, ये अनसर्टेन इवेंट्स होता है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बेस्ड ऑन द फ्यूचर वर्ड इवेंट्स। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ तो आपको पता है, जैसे मैं एक हूँ और एक आप हूँ, मैंने आपको पैसे दिए, अब आपको मुझे वापस रिपे करना है, ये हो गया एक्चुअल लाइबिलिटी कि हाँ डेफिनेटली आप देना है। अब कन्फ्यूजन ये है कि आप मुझे पैसे दोगे या नहीं दोगे, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो दैट इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग एज अ व्हाट कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, एक पोटेंशियल लाइबिलिटीज़ बोलिए, जो आगे जाके क्या होगा, एक्चुअली लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट होगा और नहीं भी हो सकता है, दैट इज़ अ नेम इन दैट, है ना। तो ये क्या होगा, एक्चुअल लाइबिलिटी में आगे कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ कम द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग और स्पेसिफिक इवेंट इन नेचर।